जहां एक तरफ अभी भी जम्मू कश्मीर में फ्यूल शॉर्टेज चल ही रही है और अलग अलग पेट्रोल पंप में, खास तौर पर HPCL BPCL के पेट्रोल पंप पर जो है वो पेट्रोल और डीजल की कमी महसूस हो रही है। वहीं दूसरी ओर एयरलाइन ओनर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं हमें भी एयर फेयर हाइक करने पड़ेंगे, यानी कि आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं टिकटों के दाम अब बढ़ने वाले हैं। इस समय मैं एक जम्मू में ही एक पेट्रोल पंप पर हूँ, सतवारी के नजदीक ये पेट्रोल पंप है, क्योंकि ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और हमने भी जो अलग अलग पेट्रोल पंप पर जाकर दौरा किया हमें भी यही समझ में आ रहा है कि हालांकि HPCL और BPCL के पेट्रोल पंप पर फ्यूल शॉर्टेज जरूर है, ज्यादातर ये फ्यूल शॉर्टेज डीजल की है, लेकिन इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर जो है आपको पेट्रोल भी और डीजल भी जम्मू कश्मीर में अलग अलग पेट्रोल पंप पर मिल रहा है, अभी अवेलेबिलिटी है। और आगे भी ये कहा जा रहा है कि HPCL और BPCL के ही पेट्रोल पंप पर ज्यादातर जो है वो शॉर्टेज महसूस की जा रही है, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर फ्यूल अवेलेबल है। कश्मीर में पैनिक बाइंग के दृश्य भी आपने कल के दिन में देखे होंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करें अगर एयरलाइंस की, तो स्पाइसजेट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बड़े ही गंभीर स्टेटमेंट्स दिए। स्टेटमेंट ये दी कि जहां एक तरफ पेट्रोल, जहां एक तरफ जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के कंपैरिजन में वीक होता जा रहा है, इसी के चलते हमारा जो ATF है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, उसके प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं इससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है और हमारे लिए अभी जो टिकट के प्राइसेस है उन्हीं पर फ्लाइट्स को रन करना मुमकिन नहीं हो पाएगा, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, हमें 10-15% तक एयरफेयर जो है वो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, ऐसा स्पाइसजेट के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह ने कहा। उसके अलावा उन्होंने उसके तथ्य देते हुए बताया कि जब फ्लाइट्स रन करती हैं लगभग 40% जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है फ्लाइट्स की वो इसी ATF की वजह से, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की वजह से ही वो 40% कंपोनेंट जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट का होता है, अगर ATF प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर जो टिकट के प्राइसेस है वो सेम रहेंगे तो कंपनीज घाटे में जाना शुरू हो जाएंगी, कंपनीज उस लॉस को जो है उस प्राइस इंक्रीज को जो है अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी। इसके साथ साथ में कहा कि 10-15% तो कम से कम एयर फेयर इंक्रीज करना ही पड़ेगा। स्पाइसजेट को लेकर उन्हें यह भी कहा कि पिछले कुछ महीनों में हमने कोशिश की कि जितना बर्डन है फ्यूल प्राइस राइज का उसे एब्जॉर्ब किया जा सके, लेकिन अब एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो गया है क्योंकि जून 2021 से लेकर आज तक 120% इंक्रीज हुआ है ATF में, एविएशन टर्बाइन फ्यूल में, और इसी की फिगर अगर आपके सामने एक क्लियर पिक्चर लाई जाए तो आज के दिन में बताया जा रहा है, आज के दिन में 16% ATF के प्राइस इंक्रीज हुए हैं। ये प्राइस पहले 1,21,475 रुपए पर किलो लीटर थे इस महीने के स्टार्टिंग में, आज के दिन में जो 16% हाइक बताई जा रही है उसके बाद ATF का प्राइस 1,41,232 रुपीज पर किलो लीटर हो चुका है नेशनल कैपिटल में। वहीं चेन्नई में और बाकी स्टेट्स में ये प्राइस जो है वो वेरी करता है, कहीं कहीं तो ये प्राइस 1,46,000 तक भी पहुंच चुका है। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एक ही दिन में 19,000 रुपीज पर किलो लीटर के हिसाब से ये प्राइस हाइक हुआ है, जिसका नतीजा ये निकला है कि एयरलाइन ओनर्स भी अभी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें एयरफेयर हाइक करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। इसके साथ साथ में ATF प्राइसेस को लेकर सरकार से भी उन्होंने ये डिमांड की कि ATF के ऊपर जो टैक्स लगता है, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो ATF के ऊपर यहाँ पर इंडिया में लग रहा है, इस टैक्स को भी रिड्यूस करने की जरूरत है, वरना जो एयरलाइंस है वो मैनेज नहीं कर पाएंगी ये जो फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है। इसके साथ साथ में ये भी बताया कि क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो भी अभी 123 डॉलर पर बैरल के हिसाब से पड़ रही है इंटरनेशनल मार्केट में, पहले यही कॉस्ट जो है 105-110 डॉलर पर बैरल के हिसाब से हुआ करती थी। इसी के चलते एयरलाइंस का ये कहना है कि एक तरफ हम खुद ये जो है इंडिविजुअली एक एयरलाइन नहीं डिसाइड कर सकती कि हम एकदम से अपने प्राइसेस इंक्रीज कर ले, क्योंकि कॉम्पिटेटिव मार्केट है। स्पाइसजेट की अगर बात की जाए, स्पाइसजेट आप जानते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन है इंडिया की, उसके अलावा इंडिगो है, गो एयर है और कई सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो रन करती हैं डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं। एयरलाइन ओनर का ये कहना था, एमडी अजय सिंह का ये कहना था कि अगर हम ही केवल अपनी प्राइस इंक्रीज करेंगे फ्लाइट टिकट्स के तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें बेनिफिट मिलेगा, लोग जो है फ्लाइट शिफ्ट करेंगे,
ओवरऑल जो है एक प्राइस हाइक की जरूरत है। सभी कंपनीज को एक कलेक्टिव डिसीजन लेने की जरूरत है कि प्राइस हाइक किया जाए, 10 से 15% जो है फ्लाइट टिकट्स के प्राइसेस को इंक्रीज किया जाए, ताकि जो कंपनीज है वो घाटे में नहीं जाए और साथ ही में जो फ्यूल के बढ़ते प्राइसेस है उसे भी टैकल किया जा सके। स्पाइसजेट के बारे में आपको ये बता दें कि जैसे ही स्पाइसजेट के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया, स्पाइसजेट के जो स्टॉक है शेयर्स की कीमत घट गई, शेयर्स जो है 3.5% गिर गया और लास्ट जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे देखा गया कि स्पाइसजेट का जो शेयर है वो 42.40 रुपीज पर ट्रेड किया गया। यानी कि स्टेटमेंट देने के बाद जो है स्पाइसजेट को भी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन स्टेटमेंट देने का मकसद उन्होंने यही बताया कि इस समय जिस तरीके से मार्केट सिचुएशन है वहां पर एयरलाइंस जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही, जिस तेजी के साथ जो है फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ये तो बात आ गई एयर ट्रैवल की, और एयर ट्रैवल जो लोग करते हैं उन्हें भी अब समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में एयरलाइंस ये फैसला ले सकती है कि वो आपकी फ्लाइट की टिकट्स के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज कर दें। और वहीं दूसरी ओर अभी भी जम्मू कश्मीर में अलग अलग पेट्रोल पंप्स के ऊपर फ्यूल शॉर्टेज, जिसको लेकर सरकार ये कहती है कोई शॉर्टेज नहीं है, हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है। जब आप खुद बाहर निकलते हैं पेट्रोल पंप पर जाकर पूछते हैं, हमने भी जम्मू में जो है अलग अलग पेट्रोल पंप पर जाकर पूछा, ज्यादातर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर जो है वो दिक्कत देखने को नहीं मिल रही, लेकिन HPCL और BPCL के पेट्रोल पंप्स पर डीजल की खास तौर पर शॉर्टेज जरूर देखने को मिल रही है।